हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे पास इतने सारे जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं, जो कि चार्जर किट वगैरह में सब में होते हैं, वो सभी किट में से मैं निकाला हूँ। कई सारे इक्विपमेंट्स जो कि आप देख रहे हैं, तो इनमें सब में हम एसी सप्लाई होती है, उसको हम इसमें देंगे। तो आई डोंट नो गाइस, इसके बाद क्या हो गया, ये फटेगा बहुत सारे में तो ब्लास्ट होगा। वीडियो को लाइक का बटन जरूर से दबा देना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को देंगे, जो कि 470 UF 63 वोल्ट का है, लेकिन इसको हम देंगे 220 वोल्ट एसी करंट। अब इसको लगाते हैं बोर्ड के अंदर, चेक करते हैं क्या होता है। गाइस, इन्वर्टर पे ओवरलोड पड़ गया है, मतलब कि ये जो है शॉर्टेज कर जा रहा है, इसीलिए इन्वर्टर ऑफ हो गया था। अब गाइस, इसमें लगा लिए एक रेजिस्टेंस को, ऑन करते हैं। गाइस, जल गया ये। अब लगाते हैं इस रेजिस्टेंस को, इसको करते हैं ऑन। इसको तो कुछ नहीं हो रहा है गाइस, पता नहीं क्यों, मतलब ये वाला है, ये डायरेक्ट लाइट को अपने में ऑब्जर्व कर ले रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा है। चेक करते हैं इस रेजिस्टेंस को, ऑन करते हैं। इसको भी कुछ नहीं हुआ, इसको लगा लेते हैं बारी बारी से, उगाते जाएंगे। ऑन करते हैं, शॉर्ट कर दिया, ये भी ओवरलोड पड़ गया इन्वर्टर पे। इसको भी लगाते हैं, ऑन करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है गाइस। इसको ये कंडेंसर है गाइस, इसके कंडेंसर जैसे बंदर है, तो इसको भी साइड करते हैं। अभी इस कैपेसिटर को देखते हैं, ऑन करते हैं। इन्वर्टर पे ओवरलोड पड़ जा रहा है बार बार, अब लिए हम इतने छोटे से रेजिस्टेंस को, अब इसको लगा कर चेक करते हैं। अब ऑन करते हैं गाइस, भाई सब शॉर्ट कर जा रहे हैं। इसमें 3 पॉइंट है, बट इसके 2 पॉइंट में ही कनेक्शन है, 1 पॉइंट सिर्फ इसको सपोर्ट करने के लिए दिया गया है। ऑन करते हैं, ऑन करके चेक करते हैं, इसको भी कुछ नहीं हो रहा है, इसको भी बाहर निकलते हैं। अब लिए हैं बड़े वाले रेजिस्टेंस को, इसके अंदर नाइक्रोम वायर होता है, इसलिए जल्दी शॉर्ट नहीं करते हैं। चेक करते हैं छोटे से रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस को लगाएं, ऑन करके चेक करते हैं, इसको भी कुछ नहीं हो रहा है गाइस। अब इसको लगाएं, इसको देखते हैं क्या होता है, ऑन करते हैं। गाइस, इससे तो हुआ, देखते हैं एक साइड से इसको उड़ा दिया है, फार्मर को लिए हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। ऑन करते हैं गाइस, जितने भी कंपोनेंट्स को यूज कर रहा हूँ, ये सब शॉर्ट करता रहा है, इसीलिए ओवरलोड पड़ रहा है। बट इन्वर्टर से ही अच्छे करेंगे सभी को, उसके बाद किसी दिन चेक कर लेंगे जो फूल से आने वाली एसी करंट होता है उससे, इसको चेक करते हैं। इसमें भी ओवरलोड पड़ गया, इसको चेक करते हैं, इसको हुआ गाइस, ऑन करते हैं, देखते हैं। अब बारी है गाइस इसकी, अब देखते हैं इसका क्या होता है। ये बहुत बड़ा सा रेजिस्टेंस है, इसको पता नहीं क्या होगा, जो भी हुआ उतना खतरनाक तो नहीं हुआ, क्योंकि इन्वर्टर चेक कर रहा हूँ, तो इसलिए किया इन्वर्टर चेक, ताकि आपको भी पता चल सके कि इन्वर्टर चेक करने से क्या होता है। लाइट से चेक करने पर तो ये धड़ाधड़ उड़ जाते हैं, किसी दिन लाइट से भी चेक कर दूंगा, बट गाइस आज तो इन्वर्टर से किया हूँ। अब चेक करते हैं गाइस, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो इतना सारा मैं रेजिस्टेंस लिया था गाइस शॉर्टिंग करके चेक करने के लिए, जो कि मैं डायरेक्ट एसी करंट दिया हूँ इन्वर्टर का, तो यही सब हो रहा था। इसको किसी दिन मैं पोल से आने वाली लाइट से भी चेक कर दूंगा, तो यही सब होता है गाइस, आपको सब पता ही चल गया। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में बने बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।